न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं समाचार। देश के किसानों ने एक साल से ऊपर संघर्ष किया, आंधी बरसात तूफान को झेलते हुए बॉर्डरों पे बैठे रहे। सरकार ने कभी आंदोलन जीवी कहा तो कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, चीन से और पाकिस्तान से संबंध बताए, परंतु किसानों ने बता दिया कि शांतिपूर्ण संघर्ष रंग लाता है। जैसे महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई थी, किसानों ने भी उसी प्रकार से अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए इस आंदोलन के अंदर आम जनता साथ में जुड़ी। 700 से ऊपर किसानों ने शहादत दी। देश के प्रधानमंत्री को बहुत पहले यह फैसला लेना चाहिए था, इतनी शहादतें जो गई है। अंत में फिर भी मैं किसानों को बधाई देना चाहूंगा कि उनका संघर्ष रंग लेकर आया और देश की सरकार को झुकना होगा। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन ही ये बिल आना चाहिए ताकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर पर वापस जा सके। तो यही कह रहा हूँ कि एक सप्ताह बचा है, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, पहले दिन सरकार बिल लेकर आए इन बिलों को कैंसिल करने के लिए। ये बिल रिपील हो, संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करे ताकि किसान सह सम्मान अपने घर पर।